वेलकम टू माय चैनल कशफ हेल्थ एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी गोल्डन पर्ल फेशियल, इसकी पूरी किट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि गोल्डन पर्ल का फेशियल का रिज़ल्ट किस तरह का है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बेनिफिट, इसके साइड इफ़ेक्ट, किस टाइप की स्किन पर कैसे फेशियल किया जाता है, सारी जो है डिटेल इसी वीडियो में बताऊँगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो ये है हमारे पास, यहाँ पर जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, चंद एक क्रीमें जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, जो कि ये फेशियल गोल्डन पर्ल का फेशियल है। इसके ऊपर भी मेंशन किया गया है, इस तरह के ये बॉक्सेस में भी मिल जाते हैं और बड़े जार में भी ये जो है आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं तो आपने छोटी पैकिंग ही लेनी है, इस तरह से ये बड़े पैक में भी आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। लेकिन आपको अभी ट्राई करना है तो आपको छोटा पैक ही लेना है, ठीक है? तो आपने पहले ट्राई करने के लिए इस तरह का एक छोटा पैक जो है वो आपने लेना है और आपने इसको ट्राई करना है। अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा लगे तो ही आप नेक्स्ट जो है इसको परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर मौजूद है मसाज क्रीम, स्क्रब, यहाँ पर मड मास्क मौजूद है, हमारे पास क्लिंजर मौजूद है, स्किन पॉलिश मौजूद है। फेशियल में सबसे पहले हमने करना होता है क्लिंजर, जो कि फेस वॉश का भी काम करता है, आपकी स्किन को नीट भी करता है, डस्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इसको डेली बेस पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फेशियल में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्लिंजर का ही होता है, आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको लेना होता है और आपने गीले हाथों के साथ इसका मसाज करना होता है, ठीक है? ये देखने में कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर होता है, ठीक है? इसको आपने 15 मिनट के लिए इसको मसाज करना है, उसके बाद आपने स्पंज की हेल्प से, टॉवल की हेल्प से अपने इसको रिमूव कर लेना है। सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाता है स्क्रब का। स्क्रब जो है वो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, जिनकी डेड स्किन है उनको अच्छे तरीके से रिपेयर करता है, आपके पोर्स वगैरह के लिए बहुत बेस्ट होता है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज है वो बिल्कुल लाइट हाथों के साथ इसका मसाज करें, क्योंकि इसमें थोड़े से पार्टिकल होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है रगड़ रगड़ के करने से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। इसका स्क्रब का मसाज हमेशा सर्कुलर मोशन में किया जाता है और वेट हैंड्स के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा गीले हाथों के साथ इसका मसाज जो है आपने करना होता है। स्क्रबिंग बहुत जो है मायने रखती है, अगर आप प्रॉपर तरीके से सही से आप हैंड को मूव करेंगे तो ही आपको प्रॉपर जो है फेशियल का रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी मसाज क्रीम। मसाज क्रीम जो होती है वो विटामिन का काम करती है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज करती है, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है? आपने करना क्या होता है, आपने इस क्रीम का मसाज करना है, लेकिन आपने इसका मसाज पानी के साथ नहीं करना, इसको अपनी स्किन के साथ के अंदर एब्जॉर्ब करना होता है। ये आपकी स्किन को लाइट करती है, सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज करती है। ये बहुत अहम स्टेप है, विंटर के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है? इसको स्किप मत किया। कोई भी स्टेप जो है वो अपनी अपनी एक खसूसियत रखता है, एक अपने बेनिफिट्स हैं, तो सब स्टेप जो है जब तक फॉलो नहीं करेंगे जब तक आपको इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी स्किन पॉलिश। आप ये वाली भी स्किन पॉलिश यूज़ कर सकते हैं, ये रेडीमेड होती है, यानी कि इसको सिर्फ आपने मास्क की तरह अप्लाई करना होता है, उसके बाद आपने 15 मिनट 20 मिनट के बाद इसको रिमूव कर लेना होता है, ठीक है? हल्का सा मसाज कीजिएगा फेस पे, उसके बाद आपने इसको रिमूव कर लेना होता है। बहुत अच्छा इसका भी रिज़ल्ट है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ब्लीच जैसे इफ़ेक्ट मिले तो आपने करना क्या है, आपने इस तरह की गोल्डन पर्ल की ब्लीच मिल जाती है, आपने वो ले लेनी है और उसको आपने ट्राई करना, ठीक है? ये इस तरह का डिवेलपर होता है, इस तरह से गोल्डन पर्ल का एक बड़ा पैक जो है ब्लीच पाउडर का, छोटा भी हर तरह की पैकिंग में आपको मिल जाएगा, ठीक है? लास्ट में आपने जो है स्किन पॉलिश के बारे में, आप बहुत सारी मेरी वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो आप डिटेल से वीडियो जो है देख सकते हैं, ठीक है? इसको आपने अप्लाई करना है और उसके बाद 15 से 20 मिनट के अंदर आपने स्किन पॉलिश को रिमूव कर लेना है, फेस वॉश कीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट में हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं मड मास्क। मड मास्क जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, जिनकी स्किन एक्ने वाली है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो मड मास्क यूज़ कर सकते हैं। जो वाइटनिंग का इफेक्ट चाहते हैं वो यहाँ पर क्ले मास्क पड़ा है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो सारी चीज़ें जो है वो गोल्डन पर्ल की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस
फेशियल जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इतना ज़बरदस्त फेशियल जो है आपको मार्केट में बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। आप चाहते हैं इसको परचेज़ करना तो भाई आप जल्दी से जाएं परचेज़ करें। इसका रिज़ल्ट बहुत ही कमाल का आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है। हर एज की बच्चियाँ जो है इसको यूज़ कर सकती हैं, लेकिन फेशियल जो है हमेशा 15+ ही यूज़ किया करें, क्योंकि स्किन जो है ये होती है तो केमिकल ही हैं, तो इसको जो है कम यूज़ किया करें। लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा जो एज हो गई है, मैरिड गर्ल्स हैं, तो वो वीक में एक बार क्लिनजिंग कर लिया करें, 15 डेज़ बाद 20 डेज़ बाद फेशियल ज़रूर लिया करें। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को लूज़ नहीं होने देता। फेशियल से आपके बहुत सारे जो है मसले दूर हो जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे पता चलता है कि आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो का एंड। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं लूँगी। इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।